दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास एसीडीसी सर्किट बोर्ड है जो कि ऑन तो हो रहा है लेकिन हमारा फैन नहीं चला रहा। दोस्तों जब भी ये सर्किट इस तरह कोई भी प्रॉब्लम करता है तो ये जो तीन FET लगी हुई है इनमें से कोई एक शॉर्ट हो जाती है। दोस्तों जब भी हमारी FETs खराब हो जाती हैं, तो ये यहाँ पर कनेक्टर लगा होता है जिसमें हमारे फैन के मोटर की वायर्स लगी होती हैं। तो यहाँ पर हमारी AC वोल्टेज आती है जो कि बंद हो जाती है, उसकी वजह से हमारा फैन भी नहीं चलता, हमारे कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रही। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। ये देखें, ये 12 वोल्ट आ रही है, हमारे कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रही। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन। तो चलिए सबसे पहले इन FETs को चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये FET जो है ये शॉर्ट बता रही है। शॉर्ट किस तरह बता रही है दोस्तों, जब भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये देखें, ये फुल बता रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों FET निकालने के लिए अगर आपके पास हीट गन है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अगर सोल्डरिंग आयरन से निकालेंगे तो हमारे बोर्ड की प्रिंट खराब हो सकती है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने निकाल दी है। दोस्तों ये FET मार्केट से नहीं मिलती, ये किसी पुराने सर्किट बोर्ड से निकालनी पड़ती है। दोस्तों ये सर्किट बोर्ड मेरे पास मौजूद था, तो चलिए इसकी FETs को चेक करके देखते हैं, अगर ठीक है तो इसमें से निकाल कर दूसरे बोर्ड में लगा देंगे। दोस्तों ये जो FETs हैं ये मुख्तलिफ नंबर्स की होती हैं, बस आप एक बात का ध्यान रखा करें, जब भी आप ये FET चेंज कर रहे हैं तो उसी टाइम आप ये देखें कि वो FET कौन सी है। इसमें अक्सर दो किस्म की FETs होती हैं, एक डबल FET और एक सिंगल FET। ये जो इस बोर्ड में लगी है ये डबल FET है और दूसरी जो होती है वो सिंगल FETs होती है जिसमे फकत दो टर्मिनल होते हैं। बस आपके पुराने बोर्ड में डबल FET कोई भी नंबर लगा हुआ है तो आप उसको निकाल कर अपने बोर्ड में लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, FETs बिल्कुल ठीक बता रही हैं। ये जो सर्किट बोर्ड है इसकी FETs खराब नहीं है, बस इसकी ये जो माइक्रो कंट्रोलर IC है इसके पास कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये सर्किट पूरा बंद हो गया था। तो चलिए इसकी FET निकाल लेते हैं। FET निकालने के बाद अब मैं इस FETs को सर्किट बोर्ड में लगाकर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस वीडियो में FET को लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
FET निकालने के बाद अब मैं इस FETs को सर्किट बोर्ड में लगाकर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस वीडियो में FET को लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखें, ये FET मैंने लगा दी है। लगाने के बाद टेस्ट करके देखते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जब भी आप कभी किसी भी सर्किट बोर्ड को रिपेयर करें तो एक बात का ध्यान रखिया करें, ये जो ऊपर कनेक्टर है इस पर हमारी AC वोल्टेज आती है। अगर इस पर वोल्टेज नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारी FETs खराब है। मैं आपको नीचे से भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, तीनों पॉइंट पर वोल्टेज आ रही है। और दोस्तों याद रहे, ये जो वोल्टेज है ये अल्टरनेट करंट है, यानी AC करंट, ये DC वोल्टेज नहीं है। अगर आप इसको DC वोल्टेज पर चेक करेंगे तो ये कुछ भी रीडिंग शो नहीं करेगा। और दोस्तों जब भी हमारा सर्किट बोर्ड बंद हो जाता है तो हमारी तो इसके इस कनेक्टर पर वोल्टेज बंद हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन भी ऑन कर दें।